हरियाणा के मेवात क्षेत्र में जिस प्रकार सनातन धर्मावलंबियों के ब्रज 84 कोसी परिक्रमा यात्रा पर हमला हुआ, मैं कतिपय जिम्मेदार लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। अगर विश्व हिंदू परिषद या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का अनरेस्ट करने का मन था तो क्या अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के कोई दंगा करने जाता है? स्वाभाविक था यह एक धार्मिक यात्रा थी। और क्या इस देश में जिन इलाकों में मुस्लिम बहुसंख्यक है वहां हिंदुओं के तीर्थ स्थलों पर धार्मिक यात्रा निकालना अपराध है क्या? और यह जिस प्रकार वातावरण बनाने का यह प्रयास हो रहा है कि हिंदुओं ने यात्रा निकाल के गलती की तो कल को हमारे पूजा पाठ, हमारे यात्रा, हमारे धार्मिक अधिकारों पर भी प्रतिबंध होगा। मैं हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री के नाते यह मांग करता हूं कि ऐसे अपराधी उपद्रवी तत्वों को कि क्या हिंदुस्तान में जगह जगह पाकिस्तान बनेंगे? देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा। इसलिए किसी भी तीर्थ यात्रा पे जिन लोगों ने दंगा भड़काए हैं, इस दंगे में नुकसान हुई सर्वस्व संपत्ति की वसूली ऐसे ही लोगों से की जाए और ये लोग विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर आरोप लगाना बंद करें। ये जो एक इकोसिस्टम है मीडिया के अंदर हो या न्यायपालिका के अंदर हो, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे।